नमामि धन्वंतरि वादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमामि धन्वंतरि वादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कटितट विलसत् चारु पीताम्बराड्यं वंदे धन्वंतरिं तं निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों, मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन इस पे बात करेंगे और मैं यहां पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं क्योंकि यहां पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहां पे बहुत तेज बारिश हो रही है मैं जहां पर हूं और यहां पे बार बार इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जा रही है तो बता एकदम बहुत ही तकलीफ हो रहा था कि कुछ भी नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अभी नेटवर्क भी है लाइट भी है इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। तो अगर मेरा कोई कारण से नेटवर्क चला जाए तो आप लोग इस पे बात करते रहिएगा फिर मैं मोबाइल से जुड़ जाऊंगा। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन हो गया है तो क्या किया जाए। एलोपैथी में तो सर्जरी किया जाता है लेकिन जब आयुर्वेद के पास कोई आता है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को सभी लोग को ये मालूम होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन क्या होता है, उसका हेतु, लिंग, औषध, संप्राप्ति, चिकित्सा, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन जब कब होता है तो जब स्पाइनल कॉर्ड ना कॉम्प्रेस होता है ऐसे दो वर्टिब्राज के बीच में ऐसे पूरी तरह से चिपट जाता है, कॉम्प्रेस्ड होता है, उसका कारण हो सकता है कि कोई वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हुआ है। हम लोगों के शरीर में वर्टिब्राज रहते हैं, लंबर वर्टिब्रा रहता है, थोरेसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सब आप लोगों ने सैक्रल बोन रहता है तो ये सब आप लोगों को मालूम है एनाटोमी में।
तो जब भी वर्टिब्रल फ्रैक्चर होते हैं तो कुछ बोन का फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करते हैं। या फिर कभी ट्यूमर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो गया, उसके वजह से हो सकता है। एब्सेस हो गया, मतलब विद्रधि हो गया, उससे हो सकता है। या इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो सकता है, जो वर्टिब्रल के बीच में एक गादी होती है जिसको हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, वो अगर रप्चर हो गया या फिर और कोई लीजन हो गया, कोई जख्म हो गया, उसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होता है। तो इसको ना मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन हमें ये डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। और हम ट्रीटमेंट क्यों करते हैं कि इसका ना लॉन्ग टर्म में डिसेबिलिटी ना हो जाए और इरिवर्सिबल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ना हो जाए कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। हमारे जो आदरणीय नवीन सर हैं, आप लोग को मालूम होगा कि 1.5 साल पहले सर का भी एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे ही इंटरवर्टिब्रल डिस्क का पूरा ऐसे कोलैप्स हो गया था, और उसकी वजह से सर को इमरजेंसी में लेके गए थे, सर्जरी हुआ और एक वर्टिब्रा पूरी तरह से ब्रेक हो गया था, तो इम्प्लांट बिठाया गया था। और ऐसे डर था कि सर अब पूरा पैरालाइज हो जाएंगे, फिर चल नहीं पाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। लेकिन उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा दिया गया, एलोपैथी का एंटीबायोटिक वगैरह दिया गया, लेकिन सर्जरी भी हुआ, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा सर पूरी तरह से अच्छे हो गए हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के इंजुरी होते हैं, लीजन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि कॉम्प्रेस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो उसके वजह से सेंसरी और मोटर रिफ्लेक्सेस रहते हैं, या स्फिंक्टर जो रहता है, जो हमारा रेक्टल स्फिंक्टर होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड ही सारे नर्व सप्लाई करता है, वहीं से सब निकलता है। कहीं पर भी स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि स्फिंक्टर मतलब जो यूरिन और स्टूल का जो कंट्रोल है वो नहीं रहेगा, कब आ रहे कब नहीं आ रहे पता नहीं चलता है। तो सेंसरी और मोटर दोनों रिफ्लेक्सेस में इसका इफेक्ट आ जाता है। कॉम्प्रेशन जो रहता है वो ज्यादातर कब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के बाहर लीजन हो रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मेडुलरी होता है, और इंट्रा मेडुलरी होता है, उसमें भी ये हो सकता है, जहां मेडुला ऑब्लॉन्गाटा है वहां पर भी होता है कॉम्प्रेशन, लेकिन जहां एक्स्ट्रा मेडुलरी होता है तो वो ज्यादा पाया जाता है, जो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा से नीचे तक पूरा क्वाड्रा इक्वेना तक रहता है, वो ज्यादातर कॉम्प्रेशन पाया जाता है। आज के जमाने में लोग आईटी में रहते हैं, दिन दिन भर बैठे रहते हैं, और बैठने की वजह से भी कॉम्प्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बैठना भी नुकसानदायक होता है। और कॉम्प्रेशन एक्यूट हो सकता है, सब एक्यूट हो सकता है, या क्रॉनिक हो सकता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो एक्यूट कॉम्प्रेशन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कुछ मिनट से कुछ घंटों में हो सकता है कॉम्प्रेशन। क्यों होते हैं, तो कभी कभी ट्रॉमा हो जाता है, कुछ चोट लग जाती है, जोर से धड़क बैठती है एक्सीडेंट का, बहुत जोर से लगता है, झटका लगता है, तो उससे एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन हो जाता है, या डिस्क जो है उसका हर्निएशन हो जाता है। और हम लोग कैसे MRI, CT स्कैन, PET स्कैन या एक्सरे, उससे हमें पता चलता है डिस्क का हर्निएशन हो गया, थोड़ा मतलब हर्निया जैसा डिस्क में ही हड्डी ऊपर की तरफ निकल के आ रही है, या फिर मेटास्टेटिक ट्यूमर हो गया, मतलब कैंसर वाला ट्यूमर हो गया, या बोनी और लिगामेंटल इंजरी हो सकती है, उसके वजह से वहां पे हिमेटोमा हो गया, खून जमा हो गया वहां पे, उसके वजह से हो सकता है, या वर्टिब्रल सबलक्सेशन और डिसलोकेशन, वर्टिब्रल जो है ना एक दूसरे में चिपक जा रहे हैं, सबलक्सेशन हो रहा है या डिसलोकेट हो रहा है, अपना स्थान छोड़ के टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो और कभी कभी ये एब्सेस हो गया, वहां पे विद्रधि घाव हो गया और उसकी वजह से हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एपिडुरल हेमेटोमा हो गया, एपिडुरल स्पेस है वहां पे खून जम गया, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कभी कभी सब एक्यूट भी हो सकता है, कभी कभी क्रॉनिक कॉम्प्रेशन भी हो सकता है। अगर वो एब्सेस और ट्यूमर हो तो वह क्रॉनिक फॉर्म में रहेगा या सब एक्यूट रहेगा। उसी तरह से सब एक्यूट कॉम्प्रेशन क्या होता है, तो जो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में होता है, धीरे धीरे होता है। एक्यूट वाले मैंने बताया कि कुछ मिनट से कुछ घंटों में होता है, सब एक्यूट होता है कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में होता है। जैसे 5 हफ्ते में ये शुरू हुआ, धीरे धीरे कॉम्प्रेशन होना शुरू हुआ, 5 हफ्ते में, 10 हफ्ते में हो गया। तो इसमें हो सकता है कि ट्यूमर हो रहा है, कैंसर वाला मेटास्टेटिक एक्स्ट्रा मेडुलरी ट्यूमर हो रहा है, सब ड्यूरल ट्यूमर हो रहा है, एपिडुरल एब्सेस हो रहा है, हेमेटोमा हो रहा है, सर्वाइकल एरिया में हो रहा है, थोरेसिक में हर्निएटिक डिस्क हो रहा है, ऐसा कुछ भी कारण हो सकते हैं। थोरेसिक में हो रहा है, सर्वाइकल में हो रहा है, लंबर एरिया में हो रहा है, सैक्रल एरिया में हो रहा है,
उसके बाद आता है क्रॉनिक कॉम्प्रेशन। क्रॉनिक कॉम्प्रेशन होता है कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद होता है, पहले पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे, अगर जैसे किसी का सिटिंग जॉब है, एक जगह पे 14 14 15 15 16 16 घंटे बैठ रहा है इंसान, उठने को नहीं मिल रहा है टाइम, तो उसको ये कॉम्प्रेशन होते जाता है। तो इसका कारण होता है कि बोनी प्रोट्रूजन होता है सर्वाइकल एरिया में, मतलब जो बोन्स है ना, वर्टिब्रल बोन्स है, वो एक दूसरे को पिसती हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, वहां पे वायु का रुक्ष गुण बढ़ रहा है, और एक जगह पे बैठना भी वायु को प्रकोपित करते हो, क्योंकि मसल जो है ना उनको थोड़ा मूवमेंट चाहिए, और घी वगैरह खाना चाहिए, बस्ती चाहिए, अगर नहीं हो रहे और एक ही जगह बैठ रहे हैं तो वो ज्यादा, अगर वर्टिब्रस पास पास आ रही है तो वहां पे श्लेष्मा की कमी हो जाती है, अगर कोई बैठा है तो वेग का अवरोध करेगा ही, वायु का रुक्ष गुण बढ़ेगा ही। उसी तरह से थोरेसिक एरिया में, लंबर एरिया में, कहीं पर भी होता है, उसके कैनाल में हो सकता है, इसका कारण होता है ऑस्टियोफाइट्स या स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, जहाँ पे स्पाइनल कैनाल जो है वो बहुत पतला हो गया, या स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया है, स्टेनोसिस में थोड़ा भी हिल डुल नहीं पा रहे हैं, या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। कॉम्प्रेशन जो रहता है वो हर्निएटेड डिस्क जब रहता है तब बढ़ जाता है, या लिगामेंटल फ्लेवम जो रहता है उस वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब वहां पे जो बांधे हुए लिगामेंट्स हैं, स्नायु है, वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके वजह से भी ये हो सकता है, और या फिर कुछ जख्म हो गया है तो स्पाइनल कॉर्ड वो कंप्रेस करती है, वो नर्व रूट को कंप्रेस करती है, कभी कभी वो वहां पे ब्लड ऐसे फट जाते हैं, रक्तवाहिनियां, ऑक्लूजन होता है, और उसके वजह से जहां ब्लड मिलना चाहिए वहां नहीं मिलता है, और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके वजह से अगर ब्लड नहीं मिलेगा, नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से कॉम्प्रेशन होने लगता है, और बहुत सारे कारण होते हैं। अभी एमआरआई में हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन हो जाता है। इसका सबसे पहले कैसे डायग्नोस होता है, तो सबसे ज्यादा पेन होता है, पेन इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट लेट जाए, बैठ जाए, सो जाए, एक्सरसाइज कर ले, पेन किलर खा ले, पेन किलर से थोड़ा अच्छा लगेगा लेकिन बाद में फिर से पेन बढ़ जाता है, तो कुछ महीने या कुछ सालों के बाद अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो पेशेंट को रेफर करके ऑर्थोपेडिक सर्जन के थ्रू या खुद हमें एक्सरे, और वो भी एक्सरे सादा वाला नहीं, वो जो 4D वाला एक्सरे होता है उससे कराएं, या फिर MRI कराएं, या पेट स्कैन कराएं, या CT स्कैन कराएं, उससे हमें पूरा पता चलता है कि कहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, कौन से वर्टिब्रेज इसमें इन्वॉल्व है, और क्या कारण है, जैसे लीजन है क्या, या फिर वहां पे ट्यूमर है क्या, या ट्रॉमा हुआ है क्या, या फिर डिस्क हर्निएशन हुआ है क्या, फ्रैक्चर हुआ है क्या, क्या कारण है, उससे हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि हाँ यहाँ पे हुआ है। उसके बाद में और अगर MRI और पेट स्कैन करते हैं तो और अच्छे से पता चलता है, वो भी अलग अलग व्यू से जब देखते हैं तो पता चलता है कि नर्व रूट जो है वो डैमेज हो गया है, जहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया है, और उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। अब कॉर्ड कॉम्प्रेशन जो रहता है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो लोअर पार्ट ऑफ जो स्पाइन जो रहता है वहां में पता चलता है, अगर लोअर पार्ट में स्पाइन में हो रहा है, जैसे लंबर एरिया में हो रहा है, तो उसमें पैर जो है वो अफेक्टेड रहते हैं, उसी तरह से अपर पार्ट में अगर हो रहा है स्पाइन में, तो वहां पे फंक्शन जो रहता है पूरे बॉडी का वो वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है, सेंसेशन जो है हाथों में और पैरों में, हाथों में खासकर, वो कम होने लगता है अगर अपर पार्ट में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये कॉम्प्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो जो बाउल मूवमेंट है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका बाउल मूवमेंट पे अफेक्ट आएगा, या ब्लैडर पे आएगा, तो ये कहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है। अभी नवीन सर आएंगे तो उनसे हम लोग पूछेंगे, वो प्रैक्टिकली बताएंगे कि उनका नर्व कॉम्प्रेशन कहाँ हो रहा था एक्सीडेंट के बाद, तो बाउल मूवमेंट और ब्लैडर इन पे होता है कि मोशन निकलता नहीं है, खाना पचता नहीं है, या यूरिनरी ब्लैडर में ये तकलीफ ज्यादा दिखती है। तो जो एक्यूट या एडवांस स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन होता है उसके वजह से क्या होता है, दो हाथ दो पैर काम करने नहीं कर पाएंगे, जिसको बोलेंगे पैरा पैरेसिस, या क्वाड्री पैरेसिस, या फिर सेगमेंटल डिफिसिट होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा ज्यादा आता है, झटके बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर एक्सटेंशन प्लैंटर रेस्पॉन्सेज होता है, लॉस ऑफ स्फिंक्टर टोन, मतलब वहां पे जो टोन होता है यूरिन को कंट्रोल करने वाला, या फिर स्टूल को कंट्रोल करने वाला, वो टोन नहीं रहता, पेशेंट लेटा है और उसको अपने आप मोशन हो जाता है, या फिर होता ही नहीं है, दोनों हो सकता है,
या फिर यूरिन आ ही नहीं रहा, या यूरिन आ रहा है तो निकल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। इसी तरह से सेंसरी डिफिसिट होता है, वहां पे कुछ पता ही नहीं चलता कि यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने आप निकल भी जाता है या फिर रुक भी जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे तकलीफें होने लगती हैं। सब एक्यूट और क्रॉनिक कॉम्प्रेशन जब होता है, जो कुछ महीनों कुछ हफ्तों के बाद होता है, तो वहां पे लोअर बैक पेन होता है और वो रेडिएट करता है। कहाँ करता है कि वो नर्व रूट से नीचे की तरफ करेगा, या फिर कभी कभी हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, ज्यादा ज्यादा रिफ्लेक्स आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं, पेशेंट सोया है और पैर अपने आप हिलने लगते हैं, उसको पता नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है। इसी तरह से लॉस ऑफ सेंसेशन भी होने लगता है अगर ज्यादा कॉम्प्रेशन बढ़ा तो सेंसरी लॉस जब होता है ना, तो सेक्रल सेगमेंट पे, जो सेक्रल एरिया है, वहां से जो नर्व्स निकल रहे हैं, उनमें अगर हो रहा है तो सेंसरी लॉस होता है। कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन होने लगता है, वो अचानक ही होने लगता है, कॉम्प्रेशन की चिकित्सा नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया कुछ भी, तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन। पैरों में कुछ जान नहीं है, पैर में सुई लगाए, कांटा लगाए या काट दे, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा, ऐसे लॉस ऑफ सेंसेशन होने लगता है, फंक्शन भी लॉस हो जाता है। तो ये कभी कभी सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड इंफार्क्शन जब हो जाता है तब होने लगता है। इसी तरह से स्पाइन जो रहता है उसमें टेंडरनेस आ जाते हैं, रुक्षता बहुत ज्यादा आ जाती है, ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। और कभी कभी क्या होता है कि मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो जाएगा, एब्सेस होगा, हिमेटोमा होगा, खून का गांठ बन जाता है वहां पे। कभी कभी इंजरी की वजह से रक्तवाहिनी फूट जाती है और वहां पे गांठ बन जाती है, और वो गांठ जो रहती है, शिरा ग्रंथि, वह नर्वस कंडक्शन में बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। और अगर कैंसरस हो गया वो तो और ज्यादा मेटास्टेसिस बढ़ेगा, पूरे स्पाइन को कवर कर लेता है। तो हमें, हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, हमें आयुर्वेद के हिसाब से भी सोचना चाहिए। एनाटोमिकली तो हमें सारा रिपोर्ट कैसे पता चलेगा, तो एमआरआई का जो रिपोर्ट रहता है उसमें हमें सब डायग्नोसिस होके बने बनाए सब आता है, और नहीं आ रहे तो हमें करवाना चाहिए। उसके बाद में जब इंट्रामिडुलरी लीजन होता है, तो जब वो मिडुलरी लीजन जब हो रहा है, तो उसमें बर्निंग पेन ज्यादा होता है, रेडिकुलर पेन होता है, सैक्रल डिफॉर्मिटीज होता है बहुत ज्यादा, या स्पास्टिक पैरालिसिस, ऐसे कंडीशन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा अकड़ जाता है, पैर अकड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कॉम्प्रेशन जो स्पाइनल कॉर्ड का हो रहा है, वो अलग अलग तरह जगह पे अगर हो रहा है, जैसे सर्वाइकल एरिया में हो रहा है कॉम्प्रेशन, उसके सिम्टम कुछ और आएंगे, लंबर एरिया में हो रहा है उसके अलग आएंगे, सैक्रल एरिया में हो रहा है कुछ अलग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर C2 C3 वगैरह में हो रहा है, तो हाथों में झंझनाहट आएगा, जैसे लगेगा कि चीटियां काट रही हैं, या फिर नमनेस आएगा, मतलब बाध्य रहता, कुछ पता नहीं चलेगा। अगर सर्वाइकल एरिया में हो रहा है तो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, या फ्रैक्चर की वजह से, या डिस्क हर्निएशन की वजह से, बहुत सारे कॉजेज रहते हैं। अगर लंबर एरिया में हो रहा है या सैक्रल एरिया में हो रहा है, लंबर एरिया में हो रहा है तो साइटिक पेन होता है, साइटिका का पेन, ग्रदसीवत वेदना होती है, क्योंकि साइटिक नर्व उधर से ही निकल रही है और वो पूरे पैरों तक जा रही है। तो हम वहां पे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है और नर्व कॉम्प्रेशन हो रहा है, पेशेंट को झंझनाहट होगा, पेन होगा, पेशेंट लंगड़ लंगड़ के चलेगा, जैसे गीदड़ चलता है वैसे ग्रदिसी वाली पेन होने लगती है। इसी तरह से पैरों पैर सुन्न हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन का कंट्रोल नहीं आता, कभी कभी स्टूल का कंट्रोल नहीं रहता, वो लॉस हो जाता है, या फिर हाइपर एक्टिविटी होने लगती है, कॉम्प्रेशन से हाइपर, जो ये बोला है, हाइपर रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स आने लगते हैं। ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे 2005 में, कोई पेशेंट आए थे गांव के, मेरा नाम सुन के, जब मैं 5 साल फ्री में ट्रीटमेंट देता था, तो वो आए, और यहाँ पे पुणे में केयरिंग हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे उनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सर्जरी किया गया, सर्जरी फेल हो गया, और वहां पे जो नर्व थे, वो जो डॉक्टर थे, वो सीखने वाले डॉक्टर से, कभी नर्व कंप्रेस हो गया था, उसको निकालते निकालते साइड के नर्व कट गए। तो डॉक्टर्स ने बहुत इलाज किया, फिजियोथेरेपी दिया, वो सब सर्जरी वर्जरी करके फिर बोल दिया नहीं आपका, तो उन्होंने खुद को नहीं गलती माना, बाद में वो डायग्नोज हुआ दूसरे डॉक्टर से कि वह सर्जरी के साइड इफेक्ट से हुआ है, ये सर्जरी में ही गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने भेज दिया कि अब आप घर जाओ, आपको बेड रेस्ट ही इलाज है, इसका इलाज ही नहीं है। उनका पैर पूरा पैरालाइज हो चुका था, मतलब पैरों में जान नहीं थी, कमर से नीचे उनको कुछ सेंसेशन था, यूरिन का सेंसेशन नहीं, स्टूल का सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। वो मेरे पास आए तो वो बोले आप कुछ कर सकते हैं,
मैंने मेरा उस समय 2 या 3 साल का ही प्रैक्टिस हुआ था। मैंने कहा कि हम आयुर्वेद से करेंगे, आप एक एक महीना में रिजल्ट देखिए और उसके बाद क्या फायदा होता है देखिए। तो मैंने अभी मैं फ्री में करता था तो मैंने कुछ दवाइयां लिख के दिया कि आप लेके आइए कुछ कंपनियों की। तो उन्होंने क्या क्या दवाई लाए, तो बृहद्वाज चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण माली निवसन, दीपन पाचन करके, ये मैंने स्वर्ण कल्प दे दिए, अभ्रक भस्म दे दिया, और मैं उनका धन्वंतर तेल का मात्रा बस्ती देने लगा। हाँ, और एक और बात, उनका पेट साफ नहीं होता था तो उनको मैंने पेट साफ करने के लिए पहले त्रिवित लेहम दिया, 7 दिन तक घर पे खाना है त्रिवित लेहम, रोज रात को खाना है, उससे उनका पेट साफ होने लगा। और उसके बाद में 8वें दिन बुलाया मैंने, और फिर मैंने मात्रा बस्ती दिया, किसका दिया, धन्वंतर तेल का। उस समय मैं शीर बला तेल नहीं यूज करता था ज्यादा, धन्वंतर तेल का। 1 महीना जैसे ही बस्ती कंप्लीट हुआ तो वो उनको सेंसेशन आने लगा, स्वर्ण कल्प भी था, साथ में मैंने संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य जैसे बच्चा चूर्ण खाने को दिया, आरोग्य वर्धिनी बटी दिया, दीपन पाचन करने के लिए सारी दवाएं दी, आसावरिष दिया, कुछ उनका दवाई जो था स्वर्ण कल्प वगैरह, और वो भी स्वर्ण कल्प एक एक गोली नहीं, दो दो तीन तीन गोलियां दिया सुबह शाम कुछ, और कुछ 1 लाख तक का उनका एक बॉक्स आया था जो उन्होंने दवाई लाया था, बाकी मैं पंचकर्म वगैरह फ्री करता था, कुछ अपने तरफ से दवाई दिया था। तो 1 लाख का दवाई 1 महीना में ऐसे आता था, स्वर्ण भस्म भी दिया था, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म भी दिया था, जिससे जल्दी हील हो गए, और वो वॉकर लेके खड़े होके खड़े होने लगे। फिर उनको मैंने फिर दूसरा महीना का ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा सा चेंज करके दिया, सेंसेशन आने लगा, वॉकर से खड़े होने लगे, दूसरे महीने में वो वॉकर लेके चलने लगे। मैंने उनको कहा था कि हम लोग तीन वाला कोर्स, तीन कोर्स करेंगे, तो जो वो वॉकर लेके चलने लगे, तो उनके जो बेटे लोग थे, दो बेटे, वो नालायक थे कि लायक थे मुझे नहीं पता, उन्होंने तीसरा कोर्स आज तक नहीं कराया, और वो जो काका है वो अभी वॉकर लेके चल पाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं करा रहे आप लोग, तो बोले, बेटे बोले कि ये ना, ये थे पॉलिटिशियन थे किसी जमाने में, तो ये बहुत शराब पीते थे, और शराब पीने के बाद ये एक बार बुलेट चला रहे थे रात को, और उस समय उनका एक्सीडेंट हुआ और वो स्पाइनल इंजरी हो गया था जिसके लिए उनको सर्जरी करना पड़ा। तो बेटे लोगों ने इलाज ही नहीं किया आज तक, 2005 से 2024 से, कि इनको वॉकर पे चलने दो नहीं तो ये फिर दारू पियेंगे और फिर से वैसे उल्टे पुलटे काम करेंगे। एक और केस मैं बताता हूँ, एक मेरे पास सरदार जी एक बच्चा आया था, 2016 की बात है, तो वो था कुछ 32 ईयर्स का था 2016 में। तो उसका ना क्या हुआ था कि हाथ थोड़ा ही काम करता था, स्पाइनल इंजरी का वो पेशेंट था, और पैरों से नीचे नहीं, गले से नीचे उसको कोई सेंसेशन नहीं था, हाथ केवल हिला पाता था, मोबाइल चला पाता था, कंप्यूटर चला पाता था, और खाना खाता था, उसके मम्मी पापा सब करते थे। 32 ईयर्स का सरदार जी बच्चा था। तो उनका मैंने हिस्ट्री लिया कि क्यों हुआ ऐसे, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन या इंजरी क्यों हुआ, तो वो क्या हिस्ट्री बताया गया कि जब बच्चा 4 या 5 साल का था तो वो खेत खेल रहे थे छत पे, 4 मंजिला उनका गांव का खेत है, वहां पे खेत के बीच में घर था, तो बच्चे बच्चे खेल रहे थे, तो अचानक क्या हुआ कि वो भागते भागते वो बच्चा ने मतलब वो गिर गया ऊपर से 4 मंजिला, उससे गिर गया। तो जब गिर गया तो बच्चा बेहोश हो गया, तो वहां पे आसपास डॉक्टर लोग भी थे, वो आए भाग भाग के, तो देखा तो बच्चे को बोला कि आप ना इसको तुरंत इमरजेंसी में लेके जाओ। तो जब उसको उठा के ले जाने लगे, उसी टाइम स्पाइनल कॉर्ड जो था ना ऐसे ट्विस्ट हो गया, और ट्विस्ट हो गया तो वहां पर सर्जरी हुआ। सर्जरी होने के बाद ना उसको बोला गया कि आप, क्योंकि उनके पिताजी एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उनको रेफर किया गया कि आप पुणे में जाओ, खड़की में आर्मी हॉस्पिटल है पुणे के, वहां पे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहां पे इलाज होगा, लेकिन शर्त यह है कि बच्चे को वहां रहना पड़ेगा, 2-3 साल तक रहना पड़ेगा, एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन और इंजुरी है, 2-3 साल वहां रहना पड़ेगा बच्चे को, और वो डॉक्टर लोग ठीक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन माता पिता ने कहा कि नहीं, हमारा एक ही बच्चा है, हम इसको दूर नहीं रख सकते, और हम सेवा करके हम कोशिश करेंगे। ये दो गलती हुआ, एक तो बच्चा जब गिर गया था तो ले जाते टाइम जो उसका ट्विस्ट हो गया स्पाइनल कॉर्ड, उससे उसका पूरा पैरालाइज हो गया, और दूसरा वो नया नया जख्म था, तो माता पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो बच्चा जो था वो ऐसे का वैसे ही रहा। बाद में वो माता पिता रोते थे कि हमने उस टाइम नहीं किया,
क्योंकि डॉक्टर लोगों ने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड पूरा हील हो जाएगा, जैसे बोन पीस सूप देंगे, फिजियोथेरेपी देंगे, लेकिन एडमिट होके वहां रखना है, रखेंगे। तो वो फिर वो 2016 में मेरे पास आया। मैं जो सच है वो मैं बताता हूँ। तो पुणे के एक बहुत बड़े शॉपकीपर हैं, तो वो उसी दिन मेरे पास आए थे जब वो सरदार जी मेरे पास आए थे दिखाने के लिए। तो वो शॉपकीपर सर जो थे उन्होंने कहा कि मैं इनका सारा दवाई मैं दूंगा फ्री में, आप इलाज शुरू करिए, एक इनको 1 रुपया भी नहीं देना है, आप ट्रीटमेंट दीजिए। तो उन्होंने सारा दवाइयाँ भेज दिया, सारे स्वर्णकल्प बस्ती का द्रव्य सब भेज दिया, कंपनी में दिया था। मैंने ट्रीटमेंट दिया, 3 महीना मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो केस असाध्य था। बाद में 2019 में वो बच्चे की डेथ हो गई। और वो कैसे डेथ हुई कि उसने वो खाना खाते खाते उसने कुछ तो एस्पिरेट कर दिया लंग्स में, और लंग्स में एस्पिरेट कर दिया और फिर निमोनिया हुआ और आईसीयू में उसकी डेथ हो गई। मुझे ये कहना है कि जब असाध्य अवस्था हो जाती है, मतलब 5 साल का बच्चा था, 32 ईयर्स तक उसके माता पिता ने कुछ इलाज नहीं कराया और उसको व्हीलचेयर दिया गया, गवर्नमेंट भी ऐसे सपोर्ट करती है, तो उसको व्हीलचेयर वो बैटरी वाला दिया गया था कि वो जाता था तो घर से निकल के गुरुद्वारा तक वो ऐसे चला के हैंडल वगैरह करके, हाथ उसके ठीक थे, हाथ से वो चल के जाता था। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इंडियन एयरफोर्स ने उसको बहुत कुछ चीजें दिया, लेकिन वो नहीं ठीक हो पाया। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं। एक बार मेरे पास एक सरदार जी इंदौर से आए थे 2018 में, तो उनको ना एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका सर्जरी हुआ था 3 बार, तो वो ना बेड रिडन थे ना, तो उनको स्टूल ही नहीं होता था, एकदम तीव्र मलावस्तंभ था। तो मैंने उनको पेट साफ करने के लिए त्रिवित्लयम दिया घी पिला के दीपन पाचन के साथ, तो उनका नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने इच्छा विधि रस 1 गोली दिया, नहीं हुआ। फिर तो मैंने 5 गोली दिया, तब उनके घर में बहुत तरह से मल के पत्थर पत्थर जैसे निकले और तब उनका पेट साफ हुआ। फिर मैंने उनको ऐसे बस्ती वाला किया यही सब चीज, तो वो सरदार जी ठीक हो गए और उन्होंने मेरे को व्हील चेयर और वो वॉकर जो होता है वो गिफ्ट दिया कि आप किसी गरीब को कर दीजिएगा। वो सरदार जी पूरा ठीक हो गए। ऐसे ही एक और केस आए थे जो दुबई से आए थे। तो दुबई से एक केस आए थे, यहाँ पे यशवंतराव मेडिकल कॉलेज में उनका सर्जरी हुआ था। पहले दुबई में, कुवैत में हुआ था सर्जरी, फिर दुबई में हुआ। वो मतलब वो ये जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, ट्रॉली, जो बड़े कंटेनर चलाने वाले, उसके वो ड्राइवर थे कुवैत में। तो वो जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया और कंप्रेशन हो गया। तो वहां पे उनको, अब वहां पे गवर्नमेंट सब इलाज खुद करती है, उनको पैसा नहीं लगा। कुवैत में सर्जरी हुआ, नहीं फायदा हुआ। फिर दुबई में हुआ, नहीं फायदा हुआ। तो उनको इंडियन गवर्नमेंट के उस पे, यहाँ पे यशवंतराव मेडिकल कॉलेज में फिर सर्जरी कराया गया, गवर्नमेंट ने सब खर्चा किया, तो तब भी वो नहीं ठीक हो पाए। अब वो बेड रिडन थे, तो बेड रिडन की वजह से पूरा पीठ जो था वो पूरा सड़ गया था पूरा। तो उनको कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा था कि अब ये बचेगा नहीं, अब इसको लेके जाओ। तो फिर उनको यहाँ कमांड हॉस्पिटल, आर्मी का हॉस्पिटल है, वहां देखते ही उसको भगा दिया गया कि नहीं नहीं यहाँ नहीं है इलाज, ये केस नहीं हो सकता सॉल्व। लेकिन एक सर्जन थे, वो उनको दया आ गई, वो रोज ड्रेसिंग करते थे। तो उनका कैसा था कि पूरा जो पीछे का बैक था ना सड़ गया था, पूरा सड़ गया था। तो डॉक्टर ने काट काट के सब निकाल दिया था, सारे डेड सेल, उनका केवल स्पाइनल कॉर्ड दिखता था, मतलब सारे वर्टिब्रास दिखते थे, इतना था। जब वो मेरे पास आते थे तो पूरा ड्रेसिंग करके आते थे। तो उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा मैं ट्राई करूंगा। लेकिन उनके साथ एक और घटना थी कि वो जब मेरे पास है तो मेरे क्लिनिक में दिया जलता था, धन्वंतरी भवन का मंत्र चलता था और धन्वंतरी भवन का फोटो था। तो वो जब यहाँ से पहले दिन आए और गए, तो एक न शेख की आत्मा ने, मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अंधविश्वास नहीं बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने किसी शेख का मर्डर किया था वहां पे जब वो कुवैत में थे, तो वही आत्मा जो थी वो बदला लेने के लिए एक्सीडेंट करवाया था और वो मतलब मारना चाहती थी वो पेशेंट को। तो जब वो मेरे पास है ना, तो जब यहाँ से गए तो वो आत्मा उनके बॉडी में आई और बोली कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो ठीक कर देगा। तो उन्होंने मेरा इलाज किया, तो मैंने अश्वगंधा अवलेह दिया, स्वर्णमालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज, ये सब किया। मैंने 21 डेज में जो ट्रीटमेंट करने का मौका मिला
और उनको इन्फेक्शन से भी बचाना था तो सूक्ष्म त्रिफला AKT भी दिया मैंने। तो मेरे जो अश्वगंधा वाले, विदार्या दिले, दीपन पाचन के बाद सब दिया था, आसावरिष के बाद दिया था, तो मैंने खुद देखा कि उनके जो मसल्स हैं वो ग्रेनुलेशन सेल से वो बनते हुए आ रहे थे। और 21 डेज दिया, फिर मैंने उनको घर पे बोला कि आप दवाई लीजिए। 3 महीना उन्होंने किया पूरा, तो मसल्स पूरे आ गए थे उनके। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो आत्मा फिर से उनके बॉडी में प्रवेश की और कुछ अलग अलग वो बातें करते थे, और बाद में उनका डेथ ही हो गया। अब डेथ कैसे हुआ वो मुझे डिटेल मालूम नहीं है, मुझे बस इन्फॉर्मेशन मिला कि उनकी डेथ हो गई और कोई आत्मा थी उनके पीछे पड़ी थी, उसने उनको मार ही डाला। गला घुट के मारा कि क्या मारा ये मुझे डिटेल नहीं मालूम, लेकिन वो आत्मा ने मार दिया। मतलब स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन कितना डेंजरस होता है, ये असाध्य भी होता है, मृत्यु तक भी लेके जाते हैं, ऐसे मैंने देखा है। अब इसमें हम लोग कैसे डायग्नोज करें, तो इसमें हम लोग MRI करते हैं जहां पे हुआ है कॉम्प्रेशन। जैसे हाथ में अगर टिंगलिंग नमनेस हो रहा है तो हम लोग सर्वाइकल स्पाइन देखेंगे, सेगिटल व्यू देखेंगे पूरा स्पाइनल स्पाइन का, उसके बाद में CBC कराएंगे, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, WBC कितना बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिलिया है क्या, न्यूट्रोफिल कितने बढ़े हैं वो हम लोग देखते हैं, ESR देखेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन देखेंगे, उससे सी रिएक्टिव प्रोटीन से हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना है, इन्फ्लेमेशन कितना है, फिर ट्यूमर है कि नहीं तो ट्यूमर की बायोप्सी कराएंगे, उससे मेलिग्नेंसी कितना है कि इतना नहीं वो देखेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल सारा हम लोग यहाँ पे टेस्ट कराते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्सेस देखते हैं, हॉफमैन साइन जो रहता है या ब्रिस रिफ्लेक्सेस, नी और एंकल का जो रिफ्लेक्स होता है वो है कि नहीं है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके हमें कंफर्म हो जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से, MRI, पेट स्कैन, CT स्कैन से हमें डायग्नोसिस हो जाता है। अब एलोपैथी की चिकित्सा जो है वो लोग जो चिकित्सा देते हैं वो फिजियोथेरेपी देते हैं ज्यादातर, या सर्जरी कराते हैं, सर्जरी में प्लेट वगैरह बिठाते हैं, या फिर मतलब जहां उनको इम्प्लांट लगाना है टिटेनियम मेटल का वो लगा देते हैं। लेकिन वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जब आयुर्वेद की चिकित्सा लेने लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी बताऊंगा, पहले आप लोग कुछ बताना चाहें बता सकते हैं, फिर चिकित्सा पे आते हैं। पल्लवी मैम, आपने देखा है ऐसे पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन के? पल्लवी मैम, हरिहर सर, अभय सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? महेंद्र सर, कुछ बोलिए आप लोग। वीना मैम, कुछ बोलना चाहेंगी? ऐसे पेशेंट देखे हैं हरिहर सर आपने? सर देखा है तो ज्यादा 8-10 पेशेंट देखा है मैंने। उनमें क्या सिम्टम थे सर? वो नीचे से पैर कुछ काम नहीं करते थे, पेशाब संडास नहीं हो सकते थे अपने आप, जी कोई झाड़ ऊपर से गिर गया था, कोई कुएं में गिर गया था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे ऐसे हमने देखा। लेकिन वो यहाँ के आप जब जैसे बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन जब तक आपका लेक्चर मैंने यह 3-4 बार सुना, अभी को कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं बताऊंगा। देखा जी है लेकिन हमने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया। तो अभी हम चिकित्सा पे आते हैं, आप लोग और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम चिकित्सा पे आते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर कॉम्प्रेशन है तो इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है, जैसे कफावृत बात है क्या, आवरण है क्या, तो आवरण की चिकित्सा करें, कफावृत बात की चिकित्सा करें, नस से करें, अगर सर्वाइकल एरिया में है तो नस से करना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ पे लेखन बस्ती करना है क्योंकि अगर कफ बहुत ज्यादा बड़ा है वहां पे क्लेद बहुत है तो लेखन बस्ती करके फिर ब्रीहन बस्ती करना है, नस से इसलिए करना है कि अगर शोल्डर रीजन में है तो नाक जो है वो नाशाही शीर्षोद्वारम, तो ये नाक में डालते हैं तो वो पूरा सर्वाइकल एरिया में पूरा नरिशमेंट करता है, ब्रीहन करता है, ये सोचिए करते हैं। कषाय कल्पना में बहुत सारी दवाइयां देते हैं जो कफावृत बात की चिकित्सा होती है, और इंजुरी को भी भरने के लिए हमें कुछ रसायन और ब्रीहन देना है, दीपन पाचन करके हम लोग अष्टवर कषायम देते हैं, रसोनादि कषायम, भद्रदारवादि कषायम, रासना शुंठ्यादि कषायम, वरुणादि कषायम, गुगुल तिक्त कषायम, गंधर्व हस्त्यादि कषायम, गंधर्व हस्तादि कषायम हो गया, महारासनादि कषायम, शुंठी बलादि रसायनम कषायम, सॉरी कषायम दे रहे हैं, रासना पंचक कषायम। उसी तरह से गुगुल कल्पना देते हैं जो हड्डी को जोड़ेगा, तो अब सर्जरी करके आए पेशेंट या ना करके आए, जहां जरूरी है सर्जरी वहां पे सर्जरी ही एडवाइस करना है,
लेकिन हम आबा गूगल लेते हैं जो संधान करता है, जोड़ता है, रासना गूगल लेते हैं, शट धरण चूर्ण, अगर गांठ जैसी है तो कांचना गूगल, वहां पे मेद बड़ा हुआ है तो नवक गूगल, रसो नादि बटी जो आवरण को हटाता है, इसी तरह से वहां पे कफ और क्लेद बहुत ज्यादा है और स्नेहन भी करना है तो हम लोग भल्लाता घृत देते हैं, अगर पेशेंट पित्त प्रकृति का नहीं है तो गुग्गुल तिक्त घृतम देते हैं, उससे जल्दी जल्दी रिकवर होता है, हील होता है जल्दी जल्दी, वरण आदि घृतम देते हैं, सप्तसार घृतम, नारसिंह रसायनम, उससे बहुत जल्दी फायदा होता है, ये मैंने वो पेशेंट को दिया था इसलिए मुझे फायदा हुआ। इसी तरह से तेल बदल बदल के दे सकते हैं, जैसे कार्पास हस्त्यादि तेलम, सहचरादि तेलम का बस्ती, शीरबला तेलम, प्रसारण्यादि तेलम, अगर वातरक्त जैसी संप्राप्ति है वहां पे पेन और बर्निंग हो रहा है तो वहां पे प्रसारण्यादि तेल का मात्रा बस्ती, फिर महामाश तेल, जीर्ण पिण्याक तेल, गंध तेल, फिर धन्वंतर तेल का, ये सब का हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, और चंदन बला लाक्षादि तेल है, लाक्षादि तेल है, बलाश अगर मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, लिगामेंट्स का है तो बला सुगंधादि लाक्षादि तेलम या बला लाक्षादि तेलम, ये सब बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करते हैं। इसी तरह से हमें अग्नि भी बढ़ाना है, बल भी बढ़ाना है, वहां पे तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी है तो इंजरी हील होगा तभी पेशेंट चल फिर पाएगा, तो अश्वगंधा रिष्टम, बला रिष्टम, देवदार्वा रिष्टम, धन्वंतर अरिष्टम, अभया रिष्टम, वहां पे नर्व्स पे काम करना है, मस्तिष्क पे काम करना है, डिप्रेशन से निकलना है तो सारस्वता रिष्टम देते हैं। उसी तरह से गोलियों में हम लोग सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसन, बृहद्वार चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, अगर फीवर भी आ रहा है तो जय मंगल रस, स्वर्ण भूपति रस, और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण मालिनी वसंत तो बहुत ही अच्छा काम करता है वो देते हैं। इसी तरह से लेह कल्पना में सुकुमार लेहम, दशमूल हरित की, नारसिंह लेहम, फिर कुष्मांड लेहम, अश्वगंधा लेहम, विदार्यदि लेहम, कपी कच्चू, क्वांचा पाठ, ये सब देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें रस औषधियां देते हैं, जैसे दोनों पैर में काम नहीं कर रहा है, सेंसेशन नहीं है तो हम लोग एकांग वीर रस, रसराज रस, बृहद्वार चिंतामणि रस, पूर्ण चंद्रोदय रस, वात गजांकुश रस, महायुग रस गुगुल देते हैं। फिर उसके बाद में एक साउथ का आता है चंडामृतम, वो देने से फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग अभ्यंग, अगर पॉसिबल है तो अभ्यंग से नुकसान नहीं होना चाहिए तो प्रसारण्यादि तेलम से अभ्यंग करते हैं, निम अमृता एरंड के साथ में उद्वर्तन करते हैं रासना चूर्ण के साथ, या कार्पस हस्त्यादि तेलम और रासनादि तेलम से अभ्यंग करते हैं, या फिर मुरीवीणा तेलम, कुट्टम चुक्कियादि तेलम या धन्वंतर तेलम से अभ्यंग करते हैं। उद्वर्तन में त्रिफला चूर्ण भी यूज कर सकते हैं, कोल कुलत्तादि चूर्ण कर सकते हैं, जीवंत्यादि चूर्ण कर सकते हैं, कभी कभी वहां पे सूजन आई है, सूज गए और कॉम्प्रेशन हुआ है तो लेप लगाते हैं, कोल कुलत्तादि लेपम, कुट्टम चुक्कियादि चूर्ण का या रासनादि चूर्ण या नागरादि चूर्ण का हम लोग लेप लगाते हैं। अभ्यंग में तो बहुत सारा चीज है, कार्पास हस्त्यादि तेलम, कभी कभी पेशेंट को अवगाहन श्वेत देना, अवगाहन देना पड़ता है, तेल द्रोणी में बैठा देते हैं तो उससे जितना तेल अब्जॉर्ब होगा वो जल्दी रिकवर करता है, तो कार्पास हस्त्यादि तेलम, पंचतनेह कुजंभू, प्रभंजन तेलम, कुट्टम चुक्कियादि तेलम, महामाश तेलम, फिर काय तिरुमणि तेलम, प्रसारण्यादि तेलम, माश तेलम, बला सुगंधादि तेलम, बला तेलम, धन्वंतर तेलम। जब पेट साफ नहीं हो रहा है और पित्त बढ़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी है तो सुकुमार एरंडम 25 ml गर्म पानी या दूध के साथ देते हैं तो अच्छे से पेट साफ होता है। अगर क्रूर कोष्ठी है तो मिश्रक स्नेह हम देते हैं, तो अगर वहां पे मतलब वायु की वजह से पेन हो रहा है तो हम लोग निर्गुंडी से सिद्ध किया हुआ एरंड तेल उसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पिजिचिल क्रिया करते हैं, वैसे तेल धारा करते हैं तो कार्पास हस्त्यादि तेलम है, पंचस्नेह कुजंबु, प्रसारण्यादि तेलम, सहचरादि तेलम, चिंचादि तेलम, प्रभंजन तेलम। इसी तरह से कटी बस्ती या कटी पिचू रखते हैं, कर्पूरादि तेलम, काया तिरुमणि तेलम, सहचरादि तेलम, शीरबला तेलम या फिर धन्वंतर तेलम, सहचरादि तेलम, बला सुगंधादि तेलम का हम लोग कटी बस्ती करते हैं, उससे बहुत तेल अब्जर्व होता है और कॉम्प्रेशन ठीक हो जाता है। अवगाहन में दशमूल कषाय या धान्याम्लम वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वहां पे अगर हमें लेखन बस्ती देना है, कभी कभी ऐसे कंडीशन आती है कि पेशेंट बहुत मोटा हो गया है, बेड रिडन है, मोटा हो गया है, तो उसमें हम लोग शहद 200 ml, नमक 15 g, मूर्छित तेल कोई भी लेते हैं, शीरबला या शुद्ध बला लेते हैं या महानारायण तेल, और उसमें कल्क में यवानी, अजवाइन,
मदन फल, बिल्व, कुष्ठ बचा, शतावा, मुस्ता और पिपली, ये सब 30 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। त्रिफला का काढ़ा 300 ml, धान्याम्ल 200 ml और यवक्षार 10 ग्राम, इनको मिक्स करके 950 ml इतना हम लोग दे देते हैं लेखन बस्ती। लेखन बस्ती देने से ये फायदा होता है कि उसका वेट लॉस होता है, पेट साफ अच्छे से होता है, बस्ती प्रत्यागम होने से वेट लॉस होता है। इसी तरह से अगर पूरा नर्व्स को अच्छा करना है, स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा करना है, तो मुस्तादी राज यापना बस्ती, मुस्तादी जो यापन बस्ती होता है बहुत अच्छा रहता है। उसमें हम लोग मधु 200 ml, लवण 15 ग्राम, शीर बला तेल 100 ml, सुकुमार घृत 100 ml, कल्क द्रव्य 30 ग्राम, कल्क द्रव्य जो मुस्तादी यापन बस्ती में बताया है सिद्धि स्थान में, और शीर्पक वो देते हैं। उसमें ग्रंथों में चरक संहिता में बोला है माचरस का प्रयोग करते हैं, मदन फल डालते हैं, ये सब का बना के और 900 ml करते हैं। इसमें हम लोग मुस्तादी यापन बस्ती में मुस्ता, पाठा, गुडुची, एरंड, बला, रासना, पुनर्नवा, मंजिष्टा, अश आरगवत, उशीर, त्रैमाणा, अक्ष, रोहिणी, लघु पंचमूल और 8 मदनफल के चूर्ण, इनको पीस के और फिर हम लोग बस्ती द्रव्य बनाते हैं। कल्क द्रव्य ऊपर से यष्टि मधु, यष्टि मधु जो है वो संधान करता है, शतावा, श्यामा, कलिंग और रसांजन, इसको मिक्स करके हम लोग मुस्तादी यापन बस्ती देते हैं। ऐसे कंटिन्यू देते हैं क्योंकि तेल भी है तो कंटिन्यू दे सकते हैं, मुस्तादी काढ़ा और तेल का मिक्सचर, ऐसा 21 डेज देते हैं या 3 महीना 6 महीना देते हैं, तो वो जल्दी जल्दी नर्व में जो इंजुरी है वो ठीक हो जाता है। नस्य में हम लोग शीर वाला तेल, सहचरादि तेल, कार्पस हस्त्यादि तेल का नस्य देते हैं। रसायन में लहसुन रसायन दे सकते हैं, नारसिंह रसायन, च्यवन प्राश अवले, फिर अश्वगंधा ले हम, कुष्मांड अवले हम, विदार्यादि ले हम, कुष्मांड पाक, अश्वगंधा पाक, ऐसे कंडीशन के हिसाब से हम लोग एक रसायन सेलेक्ट करके देते हैं। तो हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड हर पेशेंट ठीक होगा ऐसा नहीं है। मैंने एक बताया सरदार जी को मैं ठीक नहीं कर पाया क्योंकि तो बहुत क्रॉनिक हो गया था, जो नया नया है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। और दूसरा क्या है कि माइलोपैथी अगर हो गया है, कॉम्प्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया है, मेडुलरी ट्यूमर हो गए हैं, तो वो ठीक नहीं होते हैं, उसके लिए सर्जरी ही करना पड़ता है। हम लोग देते हैं कांचना अर्गुगुल, रौद्र रस, ग्रंथि पाचक वटी, मेदो पाचक, मांस पाचक, ये देते हैं, लेकिन जो चीज ठीक होने वाली है वो होती है, जो नहीं होती है नहीं होती है। हमें पेशेंट को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम पूरा ठीक कर देंगे, हम बोलेंगे कि हम ठीक करने का कोशिश करेंगे स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन को, लेकिन आप और मैं धन्वंतरी भगवान नहीं है कि हम सब ठीक ही कर देंगे, हम कोशिश। हाँ ये है कि उसका कंडीशन जो डेटोरिएट हो रहा है, खराब हो रहा है, उससे हम बचा सकते हैं। एक पेशेंट और मेरे पास आए थे, उनके बच्चे टेल्को कंपनी में काम करते थे, दो इंजीनियर बेटे थे, वो अपने पिताजी को लेके आए। उनका क्या था कि वो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन हो गया था, वो चल भी नहीं पा रहे थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, बेड रिडन थे। उनको भी मैंने बस्ती वगैरह दिया था, ये बात है 2013 की बात है, मैंने 9 महीने उनको मात्रा बस्ती दिया, तो वो पेशेंट पूरा ठीक हो गए, चलने फिरने लगे, बैठने उठने लगे, 9 महीना इलाज करना पड़ा तब ठीक हो गए थे। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं प्लीज। पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं बोलना चाहती हैं। आप लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं? हाँ बोलिए बोलिए महेंद्र सर। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। पेशेंट का करीबन 9 महीने हो गए, लेडीज थी 50 वर्ष की जी और वो ANM थी, तो उसके L4-5 और सर्वाइकल का 6-7 उसमें दिक्कत थी उसकी। उसने एलोपैथिक का बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया जयपुर 3 साल तक, कुछ आराम नहीं मिला उसको। तो फिर मेरे पास आई तो मैंने उसको उस समय एक तो अजमोदादी चूर्ण, सिंहनाद गुग्गुल और भृतवाद चिंतामणि और ये महारासनादि क्वाथ से शुरुआत में दिया उसको, और आरोग्य वर्धिनी वगैरह ये भी साथ में दिए थे, और बलारिष्ट और संग में दशमलारिष्ट और अभयारिष्ट, ये तीनों मैंने चलाए। और साथ में उसकी मैंने क्या नाम है कटिवस्ती और क्या नाम गिरिवस्ती दोनों प्रारंभ की, और वो मैंने उस समय महाविष्कर तेल और मनारण तेल से की, तो उसको 15 दिन में ही काफी रिलीफ मिल गया। उसके बाद में फिर मैंने उसको तेल किया, उसको धर्मांतरम तेल से मैंने फिर वापस बस्ती चालू की, और उसमें मैंने जो बातर चूर्ण वगैरह और उस तरह का उसको भी चेंज किया, और योगराज गोगुल और प्रबाल पिष्टी अब्राक ये भी मैंने उसको चालू किया। तो उसके करीबन यो मानो आप 9 महीने ट्रीटमेंट किया था, 9 महीने में आज की तारीख में बिल्कुल ठीक है, जबकि एक पैर से वैसे भी वो अपंग है क्योंकि उस समय उसको लकवा मार गया था बहुत पहले ही बचपन में ही। तो
इस तरह का पेशेंट है, और एक दो पेशेंट इस तरह के चल भी रहे जो 60 का के पेशेंट हैं, उनको भी बस्ती करने से, और मात्रा बस्ती और साथ साथ में कटी बस्ती, इससे बहुत आराम मिलता है। और साथ में उसको जो ग्रीवा का दिक्कत था सर्वाइकल में, उसके लिए मैंने उसको बला तेल की वो क्या नाम है, नस का प्रारंभ किया, उससे उसको तो 10 दिन में उसमें तो रिलीफ मिल गया था। जी ये सर मेरा हाँ अनुभव है खुद का ही। हाँ और क्या है ना, हर पेशेंट अलग होता है सर, तो किसी में जल्दी रिजल्ट आता है, किसी में लेट आता है। हाँ पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी या सोनावने सर, अभय सर, अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अब हम 9 बजे मिलते हैं, 9 बजे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम। इसमें प्रैक्टिकली देखने से ज्यादा पता चलता है, यहाँ तो थ्योरेटिकली हमने सब बता दिया, अपना शेयर किया। हाँ हाँ प्रणाम गंगवार सर, सर। हाँ सर बताइए सर। सर इसमें आप पेशेंट, वैसे जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया था, बहुत सा लेक्चर है आपको। जो पेशेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस है, तो हाँ सर उसमें कोई दिक्कत होती है, उसमें क्या करना चाहिए सर? स्टेनोसिस हो जाता है तो वो तो पूरा चोकअप हो जाता है सर, उसमें तो उठना बैठना बिल्कुल भी नहीं हो पाता, पूरी तरह से अटक। हाँ उसमें कटी बस्ती करते हैं ना सर, कटी बस्ती से वो रिलीज होता है 7 दिन 10 दिन के बाद, और फिर हम अच्छा मात्रा बस्ती देते हैं, कभी कभी जलौका लगाते हैं, जलौका लगाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अभ्यंग कराते हैं, कटी बस्ती सबसे बेस्ट है सर। या तेल धारा कराते हैं, वहां स्नेहन होने से वो खुल जाते हैं सर। विद्यक्रम भी इसमें सक्सेस है। हाँ जी सही बताया आपने। हाँ और किसी को कुछ बताना है बता सकते हैं, अच्छा डिस्कशन हुआ। ठीक है तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, हम लोग फिर मिलते हैं, थैंक यू, प्रणाम, 9 बजे मिलते हैं, थैंक यू।